हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की पंचवर्षीय योजना कवर करने वाले हैं, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से भी आपको क्वेश्चंस बन चुका है। गाइस, पूरी भारत पंचवर्षीय योजना है जो कि हम यहां पर पढ़ेंगे, और गाइस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे, पूरा यहाँ पर कचरा नहीं करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे वो हम हर पंचवर्षीय योजना के बारे में कवर करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री के बारे में भी कवर करेंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन प्रधानमंत्री थे। इस टाइप से यहाँ पर हम हर पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री को भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन बने तो आप आसानी से उसको कवर कर पाए। क्लियर है? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट वीडियो आपका ये है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेवल के वीडियोज हम जीके के जुगाड़ प्ले लिस्ट में डाल चुके हैं, नहीं देखे तो आप उनको जाकर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन समझते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा रूस, तब इसको यूएसएसआर बोला जाता था, तो यूएसएसआर से ली गई थी। किससे अवधारणा? रूस से ली गई है आर्थिक नियोजन की। ये आप पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, भारत में आर्थिक नियोजन की जो अवधारणा ली गई है ये कहाँ से ली गई थी? ये रूस से ली गई थी। और आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें वंचित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। भारत ने अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च की हैं। वर्तमान एनडीए सरकार ने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना बंद कर दिया है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना है। क्लियर है? ये 2017 में समाप्त हुई। अब देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरू की गई थी, और भारत की पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। 12वीं और अंतिम परियोजना जो है पंचवर्षीय योजना, ये 2017 में खत्म हो गई है। और देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के समय जो प्रधानमंत्री थे ये थे जवाहरलाल नेहरू, और भारत में पंचवर्षीय योजना का जो समाप्त किया गया है, अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी 2017 में, इस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी थे। क्लियर है? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने समझ ली। अब हम आगे बढ़ते पहली पंचवर्षीय योजना की ओर, प्रथम पंचवर्षीय योजना की ओर। देखिए, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि क्या रही है? 1951 से 1956 तक ये चली रही प्रथम पंचवर्षीय योजना। इस योजना को हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी ये परियोजना। प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य ध्यान किस पर था? तो कृषि विकास पर इसका मुख्य ध्यान था। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया है? तो कृषि पर फोकस किया गया था। जैसे यह योजना सफल रही, 3.6% की वृद्धि दर इसमें हासिल की गई थी। और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसके समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री के पद पर, 1947 से 64 तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं। क्लियर है? दूसरी पंचवर्षीय योजना की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 के बीच थी। यह जो पंचवर्षीय योजना है पीसी महानोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? औद्योगिक विकास पर इसका मुख्य लक्ष्य था दूसरी पंचवर्षीय योजना का। पहली का कृषि पर था। देखिए, ये जो योजना है दूसरी, ये सफल रही और इसने 4.1% की वृद्धि दर हासिल की थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। ये कब से कब तक चली थी? 56 से 61 तक चली थी। तो 43 से 64 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही प्रधानमंत्री यही थे। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन आपका कल पूछा गया था। अगला है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो इसकी जो अवधि रही है 1961 से 1967 के बीच में रही है तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि। और तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। चीन से युद्ध के कारण यह योजना फेल हो गई थी। इस योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6% था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 2.4% रही थी। चीन से युद्ध के कारण यह फेल हो गई थी। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो चीन के युद्ध के दौरान चीन से युद्ध के दौरान फेल हो चुकी थी? तो ये आपकी रहेगी तीसरी पंचवर्षीय योजना। समय इसका अवधि थी 61 से 66 के बीच। और इस योजना के समय अगर हम बात करें 1961 से 66 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, 61 से 66 के बीच में यहाँ पर ये योजना चली थी। तो देखिए, अगर बात करें 61 से जब शुरू हुई थी, तो शुरू हुई थी जब प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। ये 1947 से 64 तक रहे थे। तो ये 61 में स्टार्ट हो गई थी, तो 64 तक ये रहे थे प्रधानमंत्री। तो ये स्टार्टिंग जब हुई थी इस योजना की, परियोजना की, पंचवर्षीय योजना की, तो इस समय जवाहरलाल नेहरू थे।
और उनके बाद में गुलजारे लाल नंदा आए थे कार्यवाहक के रूप में, क्लियर है। तो कार्यवाहक के रूप में इन्होंने 64 मई से जून तक ये रहे थे, और उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे प्रधानमंत्री, 64 से 66 तक ये रहे थे, और ये योजना 66 तक ही चली थी, 11 जनवरी 1966 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद में गाइस 11 जनवरी से 24 जनवरी तक गुलजारी लाल नंदा जो है ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे, और उसके बाद में इंदिरा गांधी आई थी 24 जनवरी 1966 से 1977 तक। तो देखिए 66 तक ये योजना चली थी, 61 से 66 तक। अब 66 में इंदिरा गांधी भी रही थी 24 जनवरी तक। तो ये जितने भी प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं ये इस जो पंचवर्षीय योजना है इसके दौरान भारत के ये सभी प्रधानमंत्री थे, तो इनका भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये क्रम वाइज ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा और इंदिरा गांधी, ये जो आपको स्टार दिख रहा है ये आपके कार्यवाहक का प्रतीक है, यानी कार्यकारी ये जो है प्रधानमंत्री रहे थे। तो आपको अंदाजा लग चुका है यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद में क्या हुआ था, 1961 से 66 के बीच में जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसके बाद में ब्रेक लग गया था योजना अवकाश का। योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969 तक थी, यानी ये जो बैक टू बैक हमारी फोर्थ जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होने वाली थी वो ना होकर 3 साल का इसमें ब्रेक लग गया था। वो भारत चीन युद्ध के कारण जो फेल हो गई थी उसके कारण लगा, या कुछ और कारण हो सकता है, जो भी हो, बट ये 3 साल के लिए जो है 66 से 69 तक ये नहीं रही थी। उसके बाद में 1970 से वापस से स्टार्ट की गई थी। तो इस 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि हर साल एक वर्षीय योजना बनाई गई थी, और हर योजना में कृषि और संबंध क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई थी। योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी। तो इससे आपको पता चल चुका है कि ये बीच में जो हुई थी एक वर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी ये क्यों की गई थी। अब फिर चौथी पंचवर्षीय योजना वापस से स्टार्ट की गई 1970 से 74 तक इसकी अवधि रही। इस योजना के मुख्य 2 उद्देश्य थे, पहला स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना, ये 2 उद्देश्य इसके थे। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1971 के चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया था, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया था 1971 के चुनाव के दौरान। नेक्स्ट है, यह योजना असफल रही, 5.7% की विकास दर के लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.3% की वृद्धि दर हासिल कर सकी। इस योजना के समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी ये इंदिरा गांधी थी, 66 से 77 के बीच में, और ये योजना चली थी कब से, 69 से 74 के बीच में, और ये 66 से 77 तक प्रधानमंत्री रही थी। तो ये जो चौथी योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना, इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 74 से 79 तक रही, 1974 से 1979 तक। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, इसके बाद उद्योग खानों को वरीयता दी गई थी। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई थी, तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। कुल मिलाकर योजना सफल रही थी, जिसने 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की वृद्धि दर हासिल की थी। इस योजना का ड्राफ्ट डीपी घर द्वारा तैयार किया गया था, और डीपी धर द्वारा इसका जो ड्राफ्ट है तैयार किया गया था इस योजना का। नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को समय से पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया था। क्लियर है, तो देखिए 79 तक ये थी, और इसको जो है मोरारजी देसाई सरकार ने 78 में ही समाप्त कर दिया था। क्लियर है, और क्या हुआ था उसके बाद में कि रोलिंग प्लान जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई थी तो उसने पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया था, और इसके स्थान पर एक वार्षिक प्लान बना दिया था जिसे रोलिंग प्लान कहा गया था। इस योजना के समय 1974 से 79 तक भारत के जो प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो देखिए 76 से 77 तक ये रही थी इंदिरा गांधी, कौन रही थी, 76 से 77 तक। तो ये योजना कब स्टार्ट हुई थी, 74 में स्टार्ट हुई थी, तो ये इंदिरा गांधी हो जाएंगी पहली। दूसरी, फिर आगे बढ़ते 77 से 79 तक कौन रहे थे, तो ये मोरारजी देसाई रहे थे, कब से 77 से 79 तक ये रहे थे, और उसके बाद में 79 तक 78, वैसे तो 78 तक ये चली थी योजना, इसको 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। तो उस हिसाब से देखिए तो मोरारजी सरकार ने इसको समाप्त किया था, तो ये दोनों प्रधानमंत्री रहेंगे। बट अगर हम 79 लेके चले तो ये भी आपके आएंगे चौधरी चरण सिंह, 28 जुलाई 1979, क्लियर है, तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है छठवीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1980 से 85 तक रही, और इस योजना का मूल उद्देश्य क्या, गरीबी उन्मूलन, तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। छठवीं पंचवर्षीय जो योजना थी इसने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी, मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गए और राशन की दुकानें बंद कर दी गई थी, जिससे खाद्य की कीमतों में वृद्धि हुई थी, देश में महंगाई ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए थे।
इस प्रकार इस योजना के समय से नेहरू के समाजवाद का अंत हो गया था और इसी योजना के समय देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत और नाबार्ड बैंक 1982 की स्थापना हुई थी। तो गाइस याद रखिएगा, नाबार्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। बी, यह योजना बहुत सफल हुई थी। इसका विकास जो लक्ष्य था 5.2% था, लेकिन इसने 5.7% की वृद्धि दर हासिल की थी। और इस योजना के समय अगर हम बात करें 80 से 85 तक भारत के प्रधानमंत्री की, तो देखिए 79 से 80 ये आपकी 80 में स्टार्ट की गई थी और इस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे, 14 जनवरी 1980 तक ये रहे। तो 1980 में ये रहे थे चौधरी चरण सिंह, ये थे पहले। 85 तक चली थी तो 80 में फिर इंदिरा गांधी बनी थी, 84 तक रही थी, 84 में फिर बाद में राहुल गांधी राजीव गांधी बने थे, ये 89 तक रहे थे। तो ऐसे अगर हम देखें 1980 से 85 तक तो तीन प्रधानमंत्री रहे थे, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। क्लियर, इन तीनों का क्रम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 85 से 90 के बीच में थी और इस योजना के उद्देश्य में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना शामिल था। इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता मिली थी और इसका विकास जो लक्ष्य था वो 5% था, लेकिन इसने 6% वृद्धि दर हासिल की थी। और वार्षिक योजना की अगर हम बात करें तो केंद्र में स्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। देखिए आठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी, ये सातवीं थी, आठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये समय पर शुरू नहीं हो सकी थी। इस कारण 1990, 91, 92 में दो पंचवर्षीय योजनाएं, दो वार्षिक योजनाएं बनाई गई, पंचवर्ष ना कहकर दो वार्षिक योजना बनाई गई थी। और अगर हम बात करें कि ये जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी, इसके दौरान 85 से 90 के दौरान अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो देखिए राजीव गांधी हो जाएंगे, उसके बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह। 90 तक ये चली थी, तो 89 से 90 तक 10 नवंबर 1990 तक विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे थे और 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर बने थे, तो ये 91 तक रहे थे। ऐसे तीन प्रधानमंत्री हो जाएंगे 85 से 90 के बीच में जो कि प्रधानमंत्री रहे थे इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगली है आठवीं पंचवर्षीय योजना, 92 से 97 तक ये चली थी। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा, इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी, अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी मॉडल की तकनीक जो है, ये एलपीजी मॉडल की तकनीक जो है शुरुआत इसकी की गई थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की। क्लियर है, और यह योजना सफल रही थी। इसके विकास का जो लक्ष्य था 5.6% रखा गया था, लेकिन इस योजना ने 6.8% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की थी। इसके समय अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरसिंह राव थे, 91 से 66 तक रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी 96 से 96 तक रहे, 16 मई से 1 जून तक। HD देवगौड़ा ये 1 जून 96 से 97 तक रहे और इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98 तक। 97 तक चली थी, 92 से 97 तक ये चार प्रधानमंत्री इसके दौरान रहे थे। नेक्स्ट है नवी पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि 97 से 2002 तक रही, 1997 से 2002 तक ही चली थी नौवीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का मुख्य फोकस न्याय और समानता के साथ विकास पर था। इसे भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया था नौवीं पंचवर्षीय योजना को, और यह योजना अपने विकास लक्ष्य 7% की दर को प्राप्त करने में सफल नहीं रही थी और इसने केवल 5.6% की वृद्धि दर हासिल की थी। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा 97 से 2002 इसकी अवधि थी। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो टोटल चार प्रधानमंत्री थे, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी। इनका 2 कार्यकाल रहा था इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किस एक ही प्रधानमंत्री का 2 कार्यकाल रहा है, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना। HD जो देवगौड़ा है, 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहे। उसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 99 तक रहे थे। उसके बाद में 99 से 2004 तक ये रहे थे। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, तीन ये रहे हैं प्रधानमंत्री इस योजना के दौरान। नेक्स्ट है दसवीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 2002 से 2007 तक रही थी। इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत के प्रति व्यक्ति जो आई है इसको दुगना करना था और इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% कम करना था। इस योजना में 8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 7.2% ही वृद्धि दर हासिल की जा सकी थी। और इस योजना के समय 2002 से 7 तक भारत के जो प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह दोनों थे, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 2007 से 12 तक थी।
यह योजना श्री रंग राजन द्वारा तैयार की गई थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी मुख्य थीम थी तेज और अधिक समावेशी विकास। इस योजना में 8.1% स्वीकार दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में 7.9% की वृद्धि दर हासिल की जा सकी थी। और इस योजना के समय 2002 से 7 से 12 तक प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, ध्यान रखिएगा। इनका दो कार्यकाल था, 2004 से 2009, 2009 से 2014, याद रखिएगा इनके बारे में, ये इस टाइम पर प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि 2012 से 17 तक थी। यह योजना श्री रंग राजन द्वारा तैयार की गई थी और इसकी थीम थी तेज अधिक समावेशी और सतत विकास। इस योजना में 8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में 6.8% वृद्धि दर ही हासिल इसमें की जा सकी थी। इस योजना के समय 2012 से 17 तक प्रधानमंत्री की बात करें तो मनमोहन सिंह थे और नरेंद्र मोदी जो कि अभी वर्तमान में बने हुए हैं। तो देखिए दोनों प्रधानमंत्री रहे थे 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगर हम बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की, तो गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना, 0 से 3 साल के बच्चों के बीच कुपोषण को कम करना, वर्ष 2017 तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी के 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली फैलाना और देश में 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। ये जो सभी चीजें थी ये 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य है। क्लियर है? देखिए भारत में वर्तमान में मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजना इनको वर्ष 2017 से बनाना बंद कर दिया। इस प्रकार सोवियत संघ रूस की नकल पर बनाई जा रही पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक नियोजन प्रणाली को अब बंद कर दिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कही जाएगी। सरकार ने इन योजनाओं को बनाना बंद कर दिया हो, लेकिन भारत के आर्थिक विकास में इन पंचवर्षीय योजनाओं का अतुलनीय योगदान रहा है। इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही भारत ने सीखा है कि कम संसाधनों की मदद से कैसे देश को विकास के रास्ते पर लाया जा सकता है। तो ये चीजें रही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चन बना तो आप आसानी से बना लेंगे, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी इससे पूछी जाने वाली वो सभी हमने यहाँ पर कवर कर ली। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एमपी का नंबर वन कंटेंट यहाँ पर आपको लगातार मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। क्लियर है? तो आज के स्टूडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं हम हमारे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लीजिए वंदे मातरम।